पास हो गया। भाई मैं फेल हो गया। अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा? अब यार हम लोग कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे? हाँ, क्योंकि आज का एक्टिंग क्लास इमोशन के ऊपर है। जी हाँ, आज का टॉपिक है इमोशन। आज हम लोग बात करेंगे इमोशन पर, तो यूट्यूब के इस फ्री एक्टिंग कोर्स में आपका स्वागत है। करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जिस तरह से इंसान बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह हम सब लोग बिना इमोशन के जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इमोशन एक ऐसी चीज है ना, जिसे सीखा नहीं जा सकता है। ये हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। हम गुस्सा करते हैं, हम प्यार करते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये जितने भी इमोशन है वो प्रकृति ने हमें दिए हुए, इन्हें सीख नहीं सकते। इमोशन हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, यानी कि इमोशन हमें सिखाया नहीं जा सकता। फिर आज के क्लास का मतलब क्या हुआ? मतलब है, आज के क्लास में हम इमोशन नहीं सीखेंगे, लेकिन इमोशन को चैनलाइज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। क्योंकि एक एक्टर अपने इमोशन को चैनलाइज कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकते। आम आदमी क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं हर चीज पे। एक एक्टर रिएक्ट नहीं करता है, एक एक्टर रिस्पॉन्स करता है। हमको आज के क्लास में ये सीखना है कि अपने इमोशन को चैनलाइज कैसे करें, क्योंकि हम लोग इमोशन से घिरे हुए हैं। हम लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक एक्टर रिएक्ट नहीं करता है, वो इमोशन की वैल्यू को समझता है। जब हम अपने इमोशन की वैल्यू को समझते हैं, सीखते हैं, तो एक एक्टर के तौर पर इमोशन को चैनलाइज करना आसानी से सीख सकते हैं, जो कि हम आज की क्लास में सीखेंगे। यार बचपन में स्कूल में पढ़े, मास्टर साहब पढ़ाए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, लेकिन होता कितना ये नहीं मालूम है। 49 तरह के इमोशंस होते हैं, 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव, जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। मैं 49 इमोशन पर आगे और भी क्लासेस लूंगा, उस पर हम लोग विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन अभी हमको इमोशन की वैल्यू को समझना है कि कैसे हम इमोशन को प्रोजेक्ट करें। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आइए, आप लोग अपने मोबाइल फोन को स्टैंड पर रखिए और अपना फोटो खींचना शुरू कीजिए। गुस्से में, प्यार में, तरह तरह के इमोशन, ठीक है, जैसे श्रृंगार में, गुस्से में, हास्य में, दुख में, तरह तरह के इमोशन में। मैं अभी बहुत ज्यादा इमोशन आपको नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लव। हास्य, हास्य को क्या कहते हैं? कॉमेडी, लाफ्टर। करुण, करुण को क्या कहेंगे? पिटी। रौद्र, रौद्र को क्या कहेंगे? एंगर। वीर, वीर को क्या कहेंगे? हीरोइज्म। भयानक, भयानक मींस फियर। विभत्स, विभत्स मींस विभत्स, विभत्स मींस डिसगस्ट। अद्भुत, अद्भुत मींस वंडर। तो ये सारे इमोशन को आप अपने मोबाइल फोन से अपना फोटो खींचिए और देखिए कि क्या जो आप इमोशन दे रहे हैं वैसा ही आपका इमोशन दिख रहा है। और अगर आप 15 दिन ये एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके इमोशन सुंदर होते चले जाएंगे और ऑथेंटिक भी। देखिए, इमोशन को समझने के लिए ना हमको अपने चारों तरफ चीजों को गौर से देखना होगा, यानी कि हम लोग इमोशन से घिरे हुए हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सब एक इमोशन है। आदमी गुस्सा कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, आश्चर्यचकित हो जा रहा है, तरह तरह के इमोशन से हम दिन प्रतिदिन गुजर रहे हैं। हमें अपने इमोशन को लेकर अवेयर होना होगा, कान से भी और आंखों से भी। यानी कि हमें अपने इमोशन को सुनना होगा कि वो कैसा सुनाई दे रहा है, यानी कि आवाजें भी इमोशन। और हमें देखना होगा कि किसी चीज को देख करके हमारे अंदर, हमारे इमोशन में कैसा बदलाव हो रहा है, हमें ये भी समझना होगा। सुनिए भैया, तो वो डायलॉग सही इमोशन के साथ कैसे बने? देखिए, आज का जितना भी टास्क है ना उसको कंप्लीट कीजिए और अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि अपने डायलॉग को सही इमोशन के साथ कैसे बोले। इस पर हम लोग पूरा क्लास करेंगे, अगला एपिसोड हमारा इसी पर बेस होगा। तो एक्टिंग सीखते रहिए, इमोशन पर एक्सरसाइज करते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब मुझे इस क्लास को अभी साइन ऑफ करने की दीजिए इजाजत।